हम किसी गांव में हैं, गांव का नाम मुझे पता नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश ऐसा व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं हूँ वैसे ही मौज कर रहे होंगे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, आज है संडे और हम निकले हैं दोबारा संडे राइड पे। जैसे कि आपको पहले ही व्लॉग में बोला था कि अब संडे राइड्स होती रहेंगी और संडे राइड्स हो रही है और मज़ा भी फुल आ रहा है। और आज का हमारा प्लान है दमदमा लेक जाने का, क्योंकि कैफेज़ वगैरह तो होते रहते हैं बट आज हमारा प्लान है थोड़ा लंबी राइड करने का। 40 किलोमीटर तो होनी चाहिए ना राइड, तो हमारे यहाँ से हमारे लोकेशन से 40 किलोमीटर पड़ता है दमदमा लेक। तो वी आर गोइंग टू दमदमा लेक। और लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे दमदमा लेक, लास्ट बहुत पुराना व्लॉग होगा, बहुत टाइम पहले गए थे। मैप लगा दिया है बिकॉज रास्ता मैं भूल चुका हूँ दोबारा। यहाँ से दिखा रहा है 33 किलोमीटर्स एंड 57 मिनट्स, तो पहुँच जाएंगे। और टाइम अभी हो रहा है 5:20। तो लास्ट संडे हम लोग गए थे पानीकोट लेक, होप करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, और अगर वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो आज की राइड पे हमारे साथ है आकाश, ऋषभ और मैं। तो अंश की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई वो आ नहीं पाया। एंड और मैं भी इनको चर्च जाना था संडे आज से, तो उसका प्लान ड्रॉप हो गया। बाकी हम तो हैं ही, बाकी संडे राइड पर हम तीन बंदे हैं। तो अब सीधा चलते हैं दमदमा लेक और आप लोग शॉर्ट्स इन्जॉय कीजिए, राइड इन्जॉय कीजिए। भाई सुबह सुबह 6 भी बजे भी और हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। ऑफ रोडिंग, रेत, बड़ी परेशानी है भैया। ओह लाला, सुबह सुबह एडवेंचर, देख रहे हो सूरज भी नहीं निकला अभी और एडवेंचर हमारा स्टार्ट। दमदमा लेक आने के लिए थोड़ी सी ऑफ रोडिंग तो करनी पड़ती है बस, बट लास्ट टाइम से बेटर है रोड। रोड अच्छे नहीं है, बेटर है, बेटर, बाकी आगे पता चलेगा, लेट्स सी। तो भाई फाइनली ऑफ रोड हुआ ख़त्म, ज़्यादा नहीं था, हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर का था बट ठीक था, ज़्यादा ऑफ रोड नहीं था, रोड सही था। हम किसी गांव में हैं, गांव का नाम मुझे पता नहीं है, गुरुग्राम में आता है बट आई डोंट नो बट जगह नाम नहीं पता मुझे क्या है। और अभी यहाँ से है 9.6 किलोमीटर एंड 25 मिनट्स जा रहा है, मतलब पहुँचने वाले बस 25 मिनट्स और धीरे धीरे उजाला हो ही चुका है। भाई स्काई देखो, उजाला हो चुका है, सनराइज़ धीरे धीरे हो रहा है, क्लाउड्स है इस वजह से सनराइज़ दिख नहीं रहा है बट लुक एट द व्यू, गांव, नेचर एंड स्काई, एक नंबर मौसम है। दिल्ली में वेदर अब हो चुका है बढ़िया वाला बट सुबह और शाम का, दिन में अभी भी बहुत गर्मी है। वो आ गया, वो है दमदमा, दमदमा लेक ये है। हाँ वो रहा, वो हरा हरा दिख रहा है, ये रहा है। हाँ ये क्या जा रहा है दमदमा लेक, यही तो है भाई। अबे ये नहीं, आ जा आ जा, ये नहीं है। <थोड़
भाई इस बार गूगल में बहुत अंदर अंदर चलाया है, पता नहीं कौन से गांव से निकल रहे हम लोग, एकदम गांव के अंदर से निकल रहे हैं और इतने स्पीड ब्रेकर से। बट सो फार सो गुड, पहुंच गए शायद। तो ये फाइनली वी हैव रीच्ड, पहुंच गए हम लोग दमदमा। बट एक पोपट हो गया, हम लोग पहुंच गए कुछ ज़्यादा जल्दी। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, वो खुलता है 8 बजे ऑलमोस्ट। अभी बज रहे हैं 6:45। इन लोगों की बदमाशी अभी शुरू हो गई है। बट भाई सनराइज़ देखो, क्या सेक्सी सनराइज़ हो रहा है, क्या बढ़िया सनराइज़ हो रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे बोट में बैठ के, 1.5 घंटा पहले यार। और ये चल रहा है फोटो शूट, वीडियो शूट। चश्मा तो दिख रहा है, सही कह रहा था वो। पर भाई बहुत सही मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, चिल्ड एकदम। क्या बैंग वीडियो बनाई, 1000 रुपए हो गए जिम की फीस मत दियो। अच्छा हो गया काम, चश्मा लगा के व्यू खराब हो जाता है। अरे बीच में से टूट जाता है। नहीं नहीं, ये थोड़ा ये आजकल के जमाने वाला मजनू भाई है, रियर व्यू नहीं आता ना उसमें। शक्ल तो दिखा दे अपनी, सब वेट कर रहे थे शक्ल देखने का। बस शक्ल ही देखने का वेट कर रहे हैं, फिर कहते व्लॉग में दिखाई नहीं दे रहे। तो फाइनली अब हम लोग बैठ गए हैं रेस्टोरेंट में, ओपन हो चुका है, बस कितना टाइम लगेगा लेट्स सी। 15 मिनट कितना 15 मिनट ऑर्डर दिया है कुछ तो अभी तो सिर्फ मेन्यू दे, ऑर्डर हो जाएगा भाई अभी तो। बस अभी ऑर्डर करते हैं और चलते हैं दमदमा के पास ही है ये रिजॉर्ट बोलो होटल बोलो, नीचे खाने पीने का है सही सा। तो बाकी यहाँ पे भजन चल रहे हैं और ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, फिर निकलते हैं। दूर है क्या? बहुत दूर है घर। इतनी दूर आते क्यों घर से? पता नहीं क्यों आ जाता हूँ, फिर उठता हूँ आ जाता हूँ, फिर बाद में सोचता, यही सोचता हूँ मैं भी क्यों आया है। मजा आ रहा है। इधर देख इधर इतने सारे आ रखे हैं, उनसे जाके पूछे क्यों आ रखे। जो हम करने हैं वही टाइम फोड़ने राइड करना है भाई, राइड इज इम्पोर्टेंट। व्लॉग बनाना है भाई, बोलने की बातें हैं। नहीं नहीं भाई इंजॉय कर, देखना उधर देख क्या चल रहा है, खुद झूले बैठ के खुद ही झूले को घुमा रहे बेचारे गरीब आदमी। साले पागल। बहुत सारी एक्टिविटी बंद कर दी, पहले एक्टिविटीज थी यहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटी अभी भी है वो। अभी टाइम क्या हुआ है, 8 मिनट नहीं, पहले यहाँ पे वो भी था, वो जो कहते वो होता ना पानी के अंदर बॉल डाल देते, उस पर इंसान को डाल देते, फिर वो बॉल घुमाते रहो। अच्छा, वो यहाँ पे थी, वही नहीं मतलब रिजॉर्ट में ही थी, रिजॉर्ट में वहीं पर रखी हुई थी उन लोगों ने, तो वही थी वो। कितना पता है क्या प्राइस रेंज था उसका, प्राइस का 15-20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 10 मिनट बंदा हाफ जाता है। बलून शूटिंग आते ना जो मेलों में होता है, अभी तो सिर्फ झूले है, वो भी मैनुअल। आकाश बैठेगा, आकाश झुलाएगा। नो मनी नो इलेक्ट्रिसिटी सही है भाई, ये भी सही है। वो भाई कहाँ जो आए थे वो चले गए, हमारे साथ हमारे बाद में आए थे ना वो सारे निकल भी गए।
वो हम जैसे बात करी चार चले गए, वो हमारी वो हमारी तरह नहीं है ना, वेट कर ले, हमने तो 1.5 घंटा वेट किया भाई, चाय पी नहीं गया 6:30 बजे की वेट किया, कहीं सरवाइव नहीं कर पाता ना फिर तो यार, अभी इतना आना फिर तो नहीं जाना बिना कुछ खाए पिए मरते जाता। ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, आता है दिखा दे भाई साहब ने क्या मंगाया। मैंने बोला वेज कटलेट मंगाया है, कहते हैं कटलेट खाएगा, बोला पागल है क्या, नवरात्र चल रहे मुझे क्या पता कटलेट क्या होता है भाई, मुर्गी बर्गी रहेगी ना, नाम नॉन नाम नॉन वेज है पर है वेज चीज भाई सुबह सुबह किससे चैट कर रहा तू, कौन है कौन है हमें नहीं पता जिसके बारे में, वो देखती है वीडियो सब्सक्राइब करवाते, नाम मत बताइए बस, सब्सक्राइब तो करवा ही दियो अच्छा फिर तो देखती होगी भाई, अब ये आता है ना अब वीडियो में फीचर होता तो ये तभी सोचो व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, एक व्यू ज्यादा आ रहा है वीडियो में सही है चलो चेयर्स 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 मुंह से वैसे कैसे खाएंगे इसको, अबे हाथ से खा लेना, हाथ से तोड़ ले, तू भी अंग्रेज बन रहा है, ये किस लिए है ऐसा पकड़ो ऐसा उल्टे से कैसे किसे काटूंगा फिर खाऊंगा, लेफ्ट से खाऊंगा और क्या देख ऐसे देख ऐसे देख देख ऐसे करना है, ऐसे नहीं खाना, ऐसे उठा खाना खा देख ऐसे नहीं खाना, सही है तो ऐसे नहीं खाना, ऐसे ले और ऐसे सीधा मुंह में डाल ले, बैठ के कुछ और ना निकाल ले, फोटो शूट चल रहा भाई अपनी बाइक के साथ, फोटो शूट चल रहा है, आइए आइए ब्रो फोटो शूट, मैंने नहीं किया आज तक अपनी बाइक के साथ, यहाँ पे आए थे एकदम लेक के पास हम लोग रील बनाने के लिए, ये टास्क है एकदम खड़ी चढ़ाई है, पत्थर हटाइए सामने से, बाइक ही राइडर की बाइक रुक गई, राइडर की फिर से बाइक अटक गई, राइडर की फिर से बाइक अटक गई, इतनी सी चढ़ाई में क्या होगा इसका, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, अब देखो मैं एक बार में कैसे चढ़ाता हूँ, ले भाई दिखा एक बार में कैसे चढ़ती है, वीडियो चालू है एक भाई, हाँ हाँ चलो चलो, इसकी कितनी है 400 cc है, ये कितनी है 350 cc ठीक है, लेकिन ये बुलेट अब देख एक बार में कैसे जाती है ऊपर, अगली बार से ना देखने पे नहीं जाना, बाइक की जान पे भरोसा करना होता है, ऐसे थोड़ी ना करना होता है भाई, क्या हुआ अटक गई, बस हो गया हो गया, एक बार भी चढ़ती तो है नहीं ये, इसके तो देख दे आग लगा दे, ये तो ये ले ले पानी में फेंक दे, तो भाई आए हम लोग अलग रास्ते से हैं, जाते टाइम जो रास्ता लिया था उस रास्ते से नहीं आए, दूसरे रास्ते से आए हैं,
तो दूसरे रास्ते से आए हैं और 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, बट सीधा हाईवे कनेक्ट हुआ है तो ये रास्ता ज़्यादा बेटर है, ऑफ रोड नहीं मिलेगा है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप हाईवे से ही आओ, हाईवे से ही जाओ। भाई मेरी बाइक फंसती है, मैंने ये नोटिस किया है, एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा खुश होता है, वो ये रहा सबसे ज़्यादा खुश होने वाला बंदा। मेरी बाइक का बस फंसने की देर होती है, आधी पीछे से आवाज आती है ये ले फंस गई। पर भाई शॉट देखे होंगे आपने, इसने एक बार में निकाल ली, ओ माय गॉड एक बार निकाल ली। तेरा मोमेंटम के झूठ बोल रहा हूं, मोमेंटम था वो, चल मेरी रेत में चली गई थी, दैट्स व्हाई। और मेरी बोल रहा है कवर कर रहा है, मेरी में पावर ज्यादा है ना, मेरी में पावर ज्यादा है, इस वजह से टायर ज्यादा घूम रहा था। तो भाई अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, हम लोगों की मस्ती पसंद आई हो, तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, नमस्कार, राम राम सारे भैया ने, राम राम सारे भैया ने। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।